हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लासा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे बहुत से व्यूवर मुझसे कहते हैं कि तत्काल एजेंट के पीछे आप पड़े रहते हैं, जबकि बुकिंग काउंटर के ऊपर जो क्लर्क बेईमानी करते हैं उसके ऊपर आप वीडियो नहीं लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे क्लर्क पकड़े गए तत्काल टिकट धोखाधड़ी करते हुए। कैसे पकड़े गए, क्यों पकड़े गए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको पूरा मामला बता देता हूं। मुजफ्फरपुर जंक्शन का है। जंक्शन पर तत्काल में आम लोगों को टिकट नहीं मिलने के मामले में गुरुवार को विजिलेंस की छापेमारी ने पोल खोल दी। रिजर्वेशन काउंटर नंबर 1 पर क्लर्क पंकज कुमार के पास निजी और सरकारी धन में अंतर पाया गया। विजिलेंस ने 2100 रुपए अधिक जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाया है। विजिलेंस की कार्रवाई से रेल कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान प्रभारी रिजर्वेशन इंचार्ज भूपेश कुमार मौके से खिसक लिया और बाद में बहाना बनाकर लौटे और कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। बता दें, इधर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ रिजर्वेशन क्लर्क तत्काल टिकट में उगाही कर रहे हैं। पूर्व मध्य रेल की विजिलेंस अफसर रंजीत कुमार मोहम्मद अफरीदी पहुंचे और तत्काल टिकट का समय खत्म होने के साथ ही काउंटर पर छापेमारी की। रेल टिकट से होने वाली आय में 1200 रुपए अधिक पाए गए। उनके निजी 840 रुपए थे। दोनों मिलाकर 2106 रुपए जब्त कर लिए गए। रिजर्वेशन कार्यालय में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विजिलेंस प्रभारी इंचार्ज से भी पूछताछ कर सकती है। दोस्तों, इस तरह से रेलवे के जो क्लर्क होते हैं वो रोज 2 से 3 हजार रुपए कमा लेते हैं तत्काल टिकट ब्लैक करके। लेकिन फंसते कौन है? आम एजेंट ज्यादातर फंसते हैं, रेलवे क्लर्क ज्यादातर नहीं फंसते हैं। लेकिन ऐसी सख्त कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।